सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ MIUI 12.5 सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिनके अंदर आपको कोई भी नया अपडेट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, जैसे कि Redmi 9 पावर, पोको C3, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max। सो इन डिवाइस के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ और बात करूंगा पोको X3 डिवाइस के बारे में, पोको M2 Pro डिवाइस के बारे में। इनके अंदर आपको अपडेट है वो यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा इंडिया के अंदर। सो अगर आप लोग इन डिवाइस के यूजर हैं सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और गाइज उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और गाइज उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया सो लाइक कर देना, अभी वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप लोग यहाँ पर भूल जाते हो। सो गाइज बात कर लेते हैं सबसे पहले Redmi 9 पावर डिवाइस के बारे में। इस फोन के रिगार्डिंग मेरे पास यहाँ पर रोज कमेंट आते हैं कि हमको अपडेट है वो इंडिया में अभी तक भी देखने को नहीं मिला है, कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो भाई आप लोग यहाँ पर इतना वेट किया है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कोर कर लीजिए, आपको सितंबर का जो सेकंड वीक है मतलब कि 15 सितंबर से पहले पहले आपको अपडेट है वो पायलट यूजर के लिए कन्फर्मली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आगे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज है वो बताऊंगा, सो उसके लिए यहाँ पर वेट कीजिए। अब गाइस मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ पोको C3 डिवाइस के बारे में। सो एक बजट डिवाइस है, इसके अंदर आपको अपडेट है वो थोड़ा यहाँ पर अभी भी लेट देखने को मिलेगा, सितंबर में कोई भी चांस नहीं आपके डिवाइस के लिए अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिले। सो कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा, सो आपको यहाँ पर अपडेट है वो अक्टूबर के मंथ के अंदर मिलेगा, अक्टूबर के मिड के आसपास ही आपको ये जो अपडेट है वो पोको C3 डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों के फोन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सो उसके लिए आप लोग यहाँ पर वेट कीजिए। अब गाइस बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro डिवाइस के बारे में। सो इस फोन के रिगार्डिंग रोज मेरे पास बहुत ही ज्यादा कमेंट आते हैं कि हमारे डिवाइस के अंदर अपडेट है वो अभी तक भी देखने को नहीं मिलेगा, कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आप लोग यहाँ पर वेट कीजिए, ग्लोबल में सभी जो कंट्री है वहां पर अपडेट है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, टर्की हो, यूरोप हो और ग्लोबल हो। रशिया के अंदर भी अपडेट है वो रिसेंटली रिलीज हो चुका है, सो इंडिया के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको अंडर 10 डेज के अंदर इंडिया के अंदर भी अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस मैं आप लोगों से बात करूँ Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के बारे में। सो ये जो डिवाइस है इसके लिए आपको अपडेट है वो यहाँ पर एंड्रॉइड 11 का लास्ट अपडेट मिला था और फोन के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो बग्स है वो अब यहाँ पर आ चुके हैं, कोई भी नया अपडेट वो Xiaomi Poco की ओर से रिलीज नहीं किया जा रहा है। सो कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा, सो आपको डायरेक्ट MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसकी टोटल साइज आपको 500 MB से 700 MB के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगी और आपके लिए भी अपडेट है वो सितंबर के मिड से पहले पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं एक और डिवाइस के बारे में जो कि है पोको M2 Pro। भाई बहुत ही ज्यादा कमेंट आते हैं इस फोन के रिगार्डिंग, क्योंकि जैसे एंड्रॉइड 11 का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिला है, आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो बग्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस डिवाइस के अंदर। सो अपडेट यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा, सो आप लोगों को यहाँ पर अभी भी थोड़ा वेट यहाँ पर करना होगा, क्योंकि आपको रिसेंटली एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके रिगार्डिंग आपको दो सिनेरियो देखने को मिलते हैं, मतलब कि पोको की ओर से आपको डायरेक्ट MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो 20 सितंबर के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या फिर आपको पहले एक सिक्योरिटी पेच का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका वर्जन नंबर आपको 12.5.2.0 का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो ये वाला भी आपको अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और अगर ये वाला अपडेट रिलीज नहीं होता है तो आपको डायरेक्टली MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। सब डिपेंड करता है पोको की ओर से कि कब उनकी ओर से अपडेट रिलीज किया जाएगा। मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताऊंगा, सो आपको अपडेट है वो ओनली 1 आवर के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। जितने भी जो डिवाइस मैंने आपको बताए हैं अपडेट आपको ओनली 1 आवर के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा और कोई भी आपको नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पोको X3 डिवाइस के बारे में। सो पोको X3 जो डिवाइस है इसके लिए आपको फाइनली MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो इंडिया में यहाँ पर
रिलीज हो चुका है और आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो पोको X3 इंडिया स्टेबल 12.5.2.0। पहले तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ में इन्फॉर्म किया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, बाद में मैंने आपको खुद टाइप करके बताया था कि अपडेट रिलीज हो चुका है, बाद में मैंने आपको स्क्रीनशॉट के साथ में इन्फॉर्म कर दिया था कि अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो है वो भी यहाँ पर बना दी है कि आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से बग्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं पोको X3 डिवाइस के अंदर। सो वो वाली वीडियो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाली वीडियो है, जाके यहाँ पर चेक कर लेना कौन कौन से बग्स मिलते हैं और कौन कौन से फीचर मिलते हैं, इसकी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो इन दोनों वीडियो को भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब गाइस बात कर लेते हैं पोको X3 डिवाइस के अंदर आपको अपडेट नहीं मिला है सो कैसे आप लोग यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिंक है वो प्रोवाइड करा दी है, OTA से आप लोग डायरेक्टली मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हो और रिकवरी रोम है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। सो आप लोगों को अपडेट करना कैसे है, सो OTA की जो फाइल है उस पर प्रेस करना है, सो एक फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी 1 से 2 GB की, यहाँ पर कितनी भी हो सकती है। बाद में आपको आपके अबाउट फोन में जाना है और बाद में MIUI वर्जन पे आप लोगों को यहाँ पर टैप करना है और 4 से 5 बार आप लोगों को ऐसे टैप करना है। सो एडिशनल फीचर है वो ऑन हो जाएंगे, 3 ऑप्शन पे क्लिक करना है और चूज अपडेट पैकेज पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा और आप लोगों को डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाने के बाद में आप लोगों की जो भी फाइल है उसको सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा 12.5.1.0 अपडेट के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पोको M3 डिवाइस के बारे में। सो यार पोको M3 डिवाइस के अंदर अभी रिसेंटली एक नया अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हुआ था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पोको M3, और मैंने आप लोगों को अपडेट में यहाँ पर किया था टेलीग्राम पे कि 12.0.8.0 का अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। सो इसका मतलब यही है कि अभी तो आपको अपडेट ये वाला मिलेगा और 1 मंथ के अंदर आपको 12.5.1.0 मतलब कि MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में कि अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा, सो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, सितंबर के एंड के आसपास आपको अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं पोको M3 प्रो डिवाइस के बारे में। सो इसके अंदर वैसे तो बहुत ही ज्यादा अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं पोको की ओर से, जैसे डिवाइस है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है, लेकिन 12.5.1.0 का अपडेट है वो अभी भी पोको की ओर से रिलीज नहीं किया जा रहा है। सो आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा यहाँ पर वेट करना है, सितंबर के 20 सितंबर के आसपास आपको अपडेट है वो पोको M3 प्रो जो डिवाइस है इसके अंदर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर वेट कर लेना, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो आप लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, जैसे अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले यहीं पर देखने को मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं किया है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।